तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और ये रही हमारी फेक लॉग की एक खतरनाक वाली सीरीज। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रीकैप करवा देता हूँ कि लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने और बंदर ने शुरुआत की थी एक प्लेन बायोम के अंदर और वहां पर थी दुबई सिटी का ब्लू प्रिंट। और थोड़ी देर छानबीन करने के बाद गाइस हमको मिलता है फेक लॉगी जो की ट्रेन ट्रैक्स बना रहा था। और थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन ट्रैक्स बनाते बनाते हवा के अंदर एकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन लेके सिटी के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को पता था कि सिटी के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमने अपना आर्मर छुपा के रखा हुआ है। और ऑब्वियसली ब्रोस ओपी आर्मर पहनने के बाद बंदर को मिलता है कमांड ब्लॉक्स के अंदर एक खुफिया रास्ता। अंदर जाते ही ब्रोस हमें मिलते हैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल के ट्रैप। एंड फाइनली थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद थोड़ी बहुत डिस्कवरी करने के बाद हमें फाइनली मिलती है एक ट्रेन। और बाद में बंदर को पता लगता है कि ये ट्रेन एक्चुअली फेक लॉगी का वेपन है। और ये देखते ही बंदर का पूरा फाती दिमाग एकदम लैम्बोर्गिनी के इंजन की तरह चल पड़ता है और वो वही वेपन यूज करता है सिटी का ब्लूप्रिंट डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जैसे ही हम ब्लूप्रिंट डिस्ट्रॉय करते हैं एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो समन होता है और हम टोर्नेडो के अंदर फंस जाते हैं। अरे भाई कहां फंस गया भैंस की आंख, ये बार बार मैं ए बंदर वाले मुंह मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बार बार ये टोर्नेडो मेरे को ऊपर ही खींच रहा है। भाई बिल्कुल वॉशिंग मशीन वाली फील मेरे को यहाँ पर आ रही है और मेरे को पता भी नहीं कि ये फाइनली हमको गिराएगा तो कहाँ पर गिराएगा। और ये बात बता कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हे भाव, ए मेरे को बचा लो भाई। ए आप तो अकेले वहाँ पर उड़ रहे हो, मेरे को इन लोगों ने सुअरों के साथ बांध के रखा हुआ है। ए बंदे की वैल्यू ही नहीं है, ये देखो कुकड़ों के साथ मेरे को उड़वा रहा है भाई ये। ए मेरे को बचा लो भाई, ए मैं तो अभी कनाडा भी नहीं गया। ए और इस गवार बंदे को देख लो। ए भाव, ए हवा के अंदर कुकड़ों को क्यों मार रहे हो? अरे मैं थोड़ा बहुत खाना लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो ब्रोस, टोर्नेडो एकदम से खत्म हो चुका है और मेरे को हल्के से ग्लाइड करके नीचे लैंडिंग करनी है भाई। और इसी के साथ ही ब्रोस अपनी बरसात भी रेडी। हैंग कर अ सेकंड, ये जगह, यो ये व्हाट, ये जगह मेरे को देखी देखी लग रही है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही जगह है जब पहली बारी हमने हीरोपाइन को देखा था और हीरोपाइन ने हमें चेस किया था तो मैंने यहाँ पर घर बना के रखा था। ये बंदर वाले मुद्रे को याद होगा? अरे हाँ, ए भाव, ए मेरे को याद आ चुका है। ए यहाँ पर आपने वो तंदूर टाइप घर बना के रखा था बिल्कुल यहाँ पर। ए मेरे को पता है पूरा। मेरे घर की बेइज्जती कर रहा, मारूंगा तलवार से। ये क्या दे रहा है? ये फेंक हुई चीज मैं नहीं उठाता। बस इसने सही चीज मेरे को देकर रखी है। गाइस मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल से ना यहाँ पर एक पानी की बकेट बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नीली इन्वेंटरी के अंदर सब कुछ है सिवाय पानी की बकेट। एंड फट से भाई हम भी बहुत चालू हो चुका है यहाँ पर। फटाफट से ब्रो से क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं और बता रहा हूँ फेंकी चीज मैं नहीं देता, तो आई मीन मैं नहीं उठाता। चल अभी मेरे को तीर कमान दे क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पर तीर कमान नहीं है। ए पप्पू को दुकान नहीं है ये? क्या नखरे कर रहा तू? एक तो रोता बोता यार ये। अबे कहां से इसे पूरा स्ट्राइक दे दिया। अरे थैंक यू। ओके नाइस, ऑलराइट, तो अपने पास तीर का बंदे आ चुके हैं। और बंदर मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर मैंने घर बना के रखा था और मेरे को याद है कि हम इस दिशा से आए थे। एक काम करते हैं, वो तेरे बहुत सारे मामा जी, ताया जी, चाची जी पीछे खड़े हुए हैं यार, पूरी तरफ मॉब्स ही मॉब्स आ चुकी हैं, तू देख रहा है ना चुड़ैल को वहाँ पर। ए फालतू के कामों में मैं नहीं पड़ता। और दूसरी बात, हमारे दादाजी बोलते थे कि चुड़ैल को चुड़ैल ही मार सकती है, देखा क्या फटके से मारा। कर ले भाई रोस्टिंग कर ले, है तेरा टाइम चल रहा है ना यहाँ पर, तू कर ले रोस्टिंग, बाद में तेरे को बताता हूँ। काम करते ब्रोस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ से खाना पीना भी ले लेते हैं। अबे तू आ जा, टेंशन मत कर। और अरे यो कुछ दिख रहा है मेरे को वहां पर लिच। अरे अरे लेट्स गो बॉयज, ये रही अपनी दुबई सिटी भाई। ये बंदर वाले मुंह, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही हमने वो ब्लूप्रिंट डिस्ट्रॉय किया हम व्हाट, तूने देखा ये? हाँ, वो मैंने पाद मारा तो दिन हो गया। अच्छा मैं तेरे को सैंपल दिखाता हूँ, मैं तेरे को जो पेड़ मारूंगा तो रात हो जाएगी। ए, मेरे को पागल बनाने की कोशिश मत कर बेवकूफ बंदे। वारी दुनिया, बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। ये गाइस बंदा पागल हो चुका है, आई थिंक सटिया चुका है पूरा। और इसको देख लो, ये एक तो बंदर सटिया चुका है और दूसरा माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बीज भी एकदम से पागल हो चुके हैं। भाई तुम लोगों को दिन के अंदर बाहर नहीं आना होता। ये देखो पानी के अंदर नहा के ये सनबेडिंग कर रहा है, नाइस है। एक काम करते गाइस सबको मारते गोली, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमें इतनी आसानी से ब्रो हमें इतनी आसानी से सिटी कैसे मिल सकती है। लेकिन चलो दफा करते हैं, लेट्स गो। वो Wait, what? अब ये क्या है भाई? What the hell?
मतलब कि ऐसी कोई चीज है जो हमें अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन हम अंदर जा के रहेंगे फटाफट से। गाइस मैं एक काम करता हूँ, एंडपल मारता हूँ, लेकिन मारो गोली, दीवार को तोड़ते हैं। वे व्हाट, होली मोली भाई, मैं दीवार तोड़ भी नहीं पा रहा, व्हाट द हेल। ए भाव, ए रुको, ए मेरी तरफ देखो, ए मैं तोड़ कर दिखाता हूँ, मेरे पास थानास की पावर नहीं है, नहीं नहीं टूटी। देख भाई, अभी ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात हो रही है भाई। लिटरली हमारे सामने सिटी है और अचानक से जमीन के अंदर से दीवार बाहर आ चुकी है। काम करता हूँ मैं ये वाला, ओके मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ पा रहा हूँ, दूसरे वाला ब्लॉक भी तोड़ पा रहा हूँ, तीसरा भी तोड़ पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, तू भी तोड़ पा रहा है, मतलब कि दोनों ब्लॉक्स तोड़ पा रहे हैं। अगर मैं ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस करूँ 1 2 3 तो मैं ब्लॉक्स रख भी रहा हूँ। बट ये कैसे हो सकता है? ए भाऊ, ए मेरे पास मस्त वाली स्कीम आई है यहाँ पर। मैं सबसे पहले ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ, ये वाला पहले से ही मेरे को मनहूस लग रहा है, और मैं ब्लॉक चक के मेरा प्लान फेल हो गया यार। गधे तेरे प्लान चलते कब है, चप्पल से मारना पड़ेगा तेरे को। अबे वट्टे मार के नहीं टूटती वो दीवार यार, तू क्या कर रहा है? अबे पत्थर मार के नहीं तोड़ पाएगा, जब मैं उसको नहीं तोड़ पा रहा तो तेरे को क्या लगता है कि तू वट्टे मार के तोड़ देगा? अजीब पागल इंसान है यार, अजीब उत्तरी। वे व्हाट, अभी ये कौन सा पजल आ चुका है अपने सामने? अरे पूरा शीशा जो है, आई मीन मोट पूरा ग्लास जो है लिटरली शीशे में कन्वर्ट हो रहा है। भाओ, ए फटाफट मेरा मेकअप का सामान लेके आओ, ए शीशा मेरे सामने लगा हुआ, फटाफट पाउडर पाउडर लगा लेता हूं मैं यहां पर फटाफट। ए भाई तू नौटंकी बंद करना भाई, हो गया। हां तू बहुत फनी है। ओ अरे भाई, अरे भाई अपना बंदर कितना फनी। नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको मारते हैं गोली। लिटरली ब्रो मेरे सामने ग्लास आ चुका है, काम करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर तीर कमान मार के देखूं तो यार कुछ असर नहीं हो रहा यार। इसको तोड़ू तो मैं कैसे तोड़ू? दूर दूर तक पूरी बाउंड्री बन चुकी है यार, और मैं सिटी के अंदर बिल्कुल जा भी नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ, अगर मैं ये तो तेरी, ओके ओके नाइस, मैं यही टेस्ट करने वाला था, मेरे को ये चेकआउट करना था कि ये लिटरली मिरर है या कोई इल्यूजन है। तो बेसिकली अगर मैं इस दिशा में कोई ब्लॉक तोड़ रहा हूँ तो वह पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि किसी ने यहाँ पर शीशा। हट जा मेरे सामने से भाई, मर जाएगा तू। तो मतलब कि किसी ने पूरा रिफ्लेक्शन लगा कर रखा हुआ है। अभी इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं पता। ए भाव, ए फंडा बहुत सिंपल है भाई, मेरे को पूरी गेम समझ में आ चुकी है। किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं थी तो उसने ये बड़ा शीशा जो है लगा कर रखा हुआ है। कह रहा है पहले दुबई सिटी के अंदर घुसने से पहले पहले मुंह चेक करा के आओ। वे, वे, ए लोगे भाव, अजी कैसे? अच्छा, चुप कर, अजी कैसे हो? वे व्हाट, तूने देखा? हाँ हाँ, ये मैंने भी देखा यार उसको। ए भाव, ये बिल्कुल हवा के अंदर आया और जब मैं पीछे मुड़ा तो गायब हो चुका है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी गाइस मैंने, ओ भाई साहब, अरे इसका, ओ माय गॉड, हेलो चाचू कैसे हो? ओके तो ये व्हाट, मतलब कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो वो घूम जाता है। इसका भाई क्या मतलब हो सकता है? या तो ब्रोज ये हमारे पीछे है, या तो शीशे के उस पार है, या तो सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। भाई बहुत डेंजर गेम खेलने वाला है भाई, बहुत मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत तगड़े लेवल की मुसीबत यहाँ पर आने वाली है। बंदर वाले मुंह हवा के अंदर तीर मार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ हमें अपनी शक्ल दिखा रहा है शीशे के अंदर, लेकिन अभी हम ये जाने अनजाने में तीर नहीं मार सकते। ए बंदर वाले मुंह, काम करते हैं एक बार फिर से शीशे के अंदर देखते हैं, मे बी हमें वो वापस नजर आ सकता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था बिल्कुल यहीं पर हमारे ऊपर ही मंडरा रहा था। तो एक काम कर, तो तीर रोट करके रख बिल्कुल पीछे ही, जैसे नजर आ रहा खोल दियो उसको, ठीक है ना? ओके अभी कहाँ पर है? आई थिंक कोई ना कोई गेम खेल रहा अपने साथ। ये रहा, फट से तीर कमान मारते हैं और इसको तीर कमान लग भी नहीं रहा। ऑब्वियसली ब्रोज ये शीशे के अंदर, ये देख रहे हो, यहीं पर समन हुआ मैन। भाई अजीब गेम खेल रहा है, बंदर वहां से निकल। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई चीज वहां पर होने वाली है और वहां हम फालतू में फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना पिरामिड है तो पिरामिड के अंदर चलते हैं। मे बी वहां पर कोई ना कोई हमें पहेली मिल सकती है, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की, पूरी सिटी जो है शीशे के अंदर बंद है सिवाय अपने पिरामिड के। ए भाव, ए वो सब तो ठीक है, ए लेकिन मैं चल क्यों नहीं पा रहा? ए मेरे को यहाँ पर किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है। ए मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे को क्रेटा के अंदर ना घुसने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर? वैसे बात तो सही है यार, मेरे को भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लिटरली ब्रो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ब्रोज मैंने W फुल ऑन दबा कर रखा हुआ है, साथ में शिफ्ट, ताकि मैं स्पीड में आगे बढ़ सकूं, और मैं भाई मैं फंस चुका हूं। भाई कोई हमको फंसा रहा है यहाँ पर, भाई कोई है जो हमें देख रहा है। और एकदम से ब्रोज बारिश भी खत्म हो चुकी है यार। अरे वे वो, अरे मैं गिर, वे व्हाट, मैंने इतना डैमेज लिया, मैं मरा भी नहीं। अबे क्या हो रहा अपने साथ? अबे तू ऊपर क्या कर रहा है मेरे भाई?
ओ माय गॉड मैं हवा के अंदर कैसे उड़ रहा हूँ। ओके तो हमें इसने पकड़ कर रखा हुआ यहाँ पर यार। तेरी तो मैं बैंड अब भी यहाँ पर बजा कर रहूंगा। नूपड़े बहुत दिमाग खराब कर दिया इसने पता। और हैंग ऑन अ सेकंड, वेट व्हाट, मैं किसी भी दिशा में तीर मार रहा हूँ और मैं भाई मैं अपने तीर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा यार यहाँ पर हवा के अंदर। What the hell? Literally, bros, मैंने इसके ऊपर एम करके रखा हुआ है और बंदर वाला मुंह कहाँ भाग गया? ए पप्पी भाई, ए बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, मैं अब भी जाके पुलिस को लेके आता हूँ। हाँ, इसकी खैर नहीं है। अरे काश यहाँ पर GTA की तरह 5-star पुलिस होती। ए भाई प्लीज देख, हम तू क्या चाहता है हमको नहीं पता भाई, ये अपनी सिटी है, हम यहाँ पर शराफत से रहते हैं। मैं काम करता हूँ, ये नीचे स्पाइडर है, अगर मैं इसके ऊपर तीर कमान मार के देखूँ तो। सो यू थिंक आई कांट डू एनीथिंग? अबे देख भाई तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, हमें नहीं मतलब इससे भाई। ब्रो ये अपनी सिटी है, हम यहाँ पर शराफत से रहते हैं, छोटी मोटी गेम्स खेलते रहते हैं भाई, तू प्लीज हमें तंग मत कर। ओके तो अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं ये स्पाइडर के ऊपर तीर कमान मार के देखूँ तो। ले मैं देखो गाइस, मैं तीर कमान मारने की कोशिश, हाँ हाँ ये हंस मत भाई, मेरे को पता है तीर मेरा वहां तक नहीं पहुंच रहा। आई विल शो यू माई ट्रू पावर। भाई तेरी पावर हमने मैं तो भूल गया था कि इसके पास लॉकी भी किडनैप्ड है यार। अब ये क्या भाई तूने छोड़ कर रखा वापस? और रे भाई नहीं, सिटी डिस्ट्रॉय नहीं करने का। ओ माय गॉड, पूरा नीचे तक इसने बेडरॉक तक गड्ढा करके रखा हुआ है और आई बिलीव इसने पूरा बेडरॉक ही तोड़ दिया होगा। अबे बंदर वाले वो भाग ले यहाँ से, तू क्या कर रहा है? और मर गया। ओह शिट, निकल 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 भाई, जान बची तो लाखों पाए, फिर से सिटी बना देंगे भाई। यहाँ पर छुप जा, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर छुप के बात करते भाई। तूने देखा उसके पास क्या पावर थी? अबे तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा उसको मारने के लिए यार, तेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है, प्लीज कुछ निकाल यार। रुको, मेरे पास जो है बहुत खतरनाक चीज है, इससे मैं उसकी बैंड दे सकता हूँ, ये देखो। भाई मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, देख के बदतमीजी नहीं करनी, ये कुकड़ मारने वाली मशीन मेरे सामने मत निकाल। ए भाऊ ये कुकड़ मारने वाली मशीन नहीं है, ये देखना एक ही बार में ऐसे पट 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 उसकी बैंड बजा देगी। यार ये पाद मारने वाली मशीन है क्या? अरे नहीं भाई, अरे बहुत खतरनाक चीज है, आओ मैं उसकी बैंड बजा के दिखाता हूँ आपको। भाई और कोई चारा तो मेरे पास है भी नहीं यार, अब तू ही मेरी लास्ट उम्मीद है। अब ये क्या लिखा है, आई विल किल लॉगी। अबे नहीं यार लॉगी कुछ नहीं करने का, अबे खोल दूंगा तेरे को मैं। अभी गाइस बहुत हो चुका है, अभी हमको ना फुल ऑन फाइट ले लिया बंदर, ये अब हमारी लास्ट एंड फाइनल फाइट है और तू बिल्कुल सामने से जाके मारियो, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा बंदा दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ जो तेरे को मार सके। और इन द मीन टाइम हम तेरे को साइड में पूरा बैकअप देंगे। और ब्रोज ओ माय गॉड बिल्कुल अपने सामने आ चुका है, मैं उसको अरे भाई लेकिन उसको छोड़ते भाई, क्या पावर मार रहा बंदर अपना, लेट्स गो हिट इट। और ये देखो हवा के अंदर चेस भाई कैसे कैसे क्लिच कर रहा है। अरे बंदर तीर कमान के सामने मत आइयो ठीक है, आराम आराम से मारता रहा है। अबे क्या तलवारों से मारा, नूबड़े पावर मार, लेट्स गो। यस एक ही बार में बंदर वाले मुंह। अबे नूबड़े तेरे पास इतनी खतरनाक वाली पावर है तो पहले क्यों नहीं खोली? भाव मैंने आपको बोल रखा हुआ है कि मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ, मैंने एक बार किताब पढ़ ली और किताब को ज्ञान मिल गया, मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ यार। अरे तू रुक भाई, एक बार फिर से टोर्नेडो कैसे आ सकता है जब सब कुछ मर चुका है, लॉगी फेक वाला मर चुका है और ये जब हमने सब कुछ नॉर्मल कर दिया तो ये टोर्नेडो कैसे आ सकता है एक बार फिर से यार? भाई कुछ ना कुछ तो तूने गड़बड़ करी हुई है यहाँ पर। और ये क्या लिखा हुआ है, इट्स नॉट ओवर यार। और ये देखो फिर से आ चुका है भाई मेरे को ऐसा। अरे रुक मेरे भाई रुक जा यार, इतना डैमेज मत कर, मेरे पास तो खाने पीने के लिए चीजें हैं लेकिन खाने पीने का टाइम भी मेरे को नहीं मिल रहा। बंदर वाले वो मारते इसको, मैं तेरे को बैकअप दे रहा हूँ साइड में से। भाई कैसी कैसी चीजें मार रहा है भाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गाइस जितना हम इसको मार रहे हैं ये बंदा उतना पावरफुल हो रहा है। कम ऑन मंत्र वाले मुंह, हियर इट, तू कर सकता है भाई। अबे तीर कमान के सामने मत आइयो ब्रोस, अपने बंदर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, बहुत ज्यादा खत। अरे भाई तेरे पास विदर वाली पावर भी है, नूबड़े के पास पता नहीं क्या क्या है, कभी बताया भी नहीं। अबे ढंग से निशाना मार गधे, तू कर सकता है, लेट्स गो हिट, पूरा मार दे उसको क्विक। तू कहां से आ गया, हट जा, जल्दी कर, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कर सकता है, मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तू कर सकता है, लेकिन फिर भी वन मोर हिट। अरे लेट्स गो, नाइस। अरे भाई साहब आज हमको पता लग चुका कि अपना देसी बंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। भाई तेरे को देख के ना मेरे को हमेशा हर एक सीरीज के अंदर हर एक गेम के अंदर भाई ज़ॉम्बी आ चुका है, भाई मैं भी खुश हो रहा हूँ, ज़ॉम्बी भी खुश हो रहा है। हे भाव ये ज्यादा बकवास नहीं करनी, मेरे को पहली समझ में आ चुकी है, ये बंदा ऐसे नहीं मर सकता,
इसकी जो है इसका सोल, इसकी आत्मा कहीं और छुपी हुई है। तेरे को कैसे पता भाई, और ये कौन से लेवल की बकवास कर रहा है? पहले ये बता कि तेरे को पता कैसे लगा ये? ए भाऊ, अरे ये बहुत आसान है, क्योंकि जिन पावरों से मैं बंदे को मार रहा हूँ उन पावरों से कोई बंदा कभी बच नहीं सकता, लेकिन ये बच के आ रहा है वापिस। इसका मतलब ये है कि इसकी रियल आत्मा कहीं और है। अरे भाई मेरे को पूरी पहली समझ में आ चुकी है, और ये वही गेम खेल रहा है जो गेम इसने मेरे साथ खेली। हर एक जगह पर फेक दुबई सिटी समन की, लेकिन असली वाली कहीं और थी। जैसे हमने असली वाली को मारा, हम यहाँ पर समन हो गए। अब ये भी खुद को नकली वाला समन कर रहा है हर एक जगह पर, और तू इसको मार रहा है, और जब ये मरता है तो वापस आता है। और मैंने एक बात नोटिस की, ये हर भारी यहाँ से आया है, और यहाँ पर क्या है? पिरामिड। ओके बंदर रेडी हो जा, तो पक्का पिरामिड के अंदर कोई ना कोई जाल होगा। ऑलराइट तो ब्रोस, मेरे को हल्के हल्के आगे जाना है, थोड़ी बहुत मैं घास वगैरह से रिमूव कर देता हूँ, और अपना तीर मेरे को हमेशा। हेलो, अरे ये भेस बदल के आ रहा है बंदर वाले मुंह, गो बैक, अबे पीछे हो जा भाई साहब। ये क्या है? अरे पार्टिकल्स मेरे को लिटरली फेक लॉगी वाले लग रहे हैं यार। I think ये फिर से भेज बदल के आया है हमें घुमरा करने की, और ये हिल भी रहा है। Wait, what? आजा तेरे को बताता हूँ मैं। और ये भाग के बंदर वाले मुंह, अपनी पावर रेडी रखियो, जैसे ही आया ना नुबड़े को खोल दियो, बाकी मैं देख लूंगा इसको। Alright, let's go। यहाँ से निकला था ये, कहीं हमें पीछे से कहीं, ओके पीछे से फ्लैग नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, यहाँ पर लड़ना जो है बेवकूफी होगी, इसको लेके आते हैं भरे मैदान के। What the hell? क्या मारा क्या इसने? Oh my, अबे क्या मार क्या रहा है गाइस। एक काम करते फटाफट से इलेक्ट्रॉन, ओ माय उतरे, निकल निकल भाई, ऐसा क्या मार रहा है अपने ऊपर? बैट्स, व्हाट? अरे एक्सप्लोसिव बैट्स मार रहा है अपने ऊपर, ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। अरे भाई रुक जा बंदर वाले मुंह, लपेट भाई। ऑब्वियसली ये इल्यूजनर है, तो अपनी इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकता है यार ये। तेरी भैंस की आंख, हम भी तेरे को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यार। एक तो उनके पास उड़ने वाली पावर है, मेरे को बहुत घटिया लगती है भैंस की जमीन पे आके। आ तेरे को बताता हूँ मैं भाई, जमीन के ऊपर आके लड़ना। और तेरी अभी इसने और अपने जो है गार्ड्स और मिनियंस यहाँ में समन कर कर, अरे ले तेरे बैट ने तेरे बंदे को ही मार दिया नुबड़े, ये ले कोर ले बड़ी इसके। तो गाइस फुल ऑन यहाँ पर इल्यूजन चल रहा है, फुल ऑन, तो अपने और मिनियन समन कर रहा है ताकि हम लोग घुमरा हो जाए। बंदर वाले मुंह, तो काम कर, तेरी इसकी सुरक्षा मैं ही करता हूँ, इसको ठिकाने मैं ही लगाता हूँ। पानी के अंदर जाके तेरे को मैं आज ना दुबला डुबो डुबो के मारूंगा, बस पानी के अंदर एक बारी। इधर गया, ओके बंदर वाले मुंह तुझसे फाइट कर मैं। रुक, तेरी भैंस की आग क्या लपेट रहा है यार ये। किधर गया? ओके वी व्हाट, अरे वेदर, ओके ये बंदा भी हवा के अंदर घूम रहा है, और अचानक से वेदर भी ठीक हो चुका है। बंदर वाले मुंह तू इससे फाइट लगा, ये वापस पिरामिड के पास जाएगा, कुछ ना कुछ हरकत करेगा। इससे पहले कि ये वहां पर पहुंचे मैं भाग भाग के वहां पर पहुंच जाता हूँ क्विक। अरे मेरे को रोक रहा है पिरामिड पर जाने के लिए, कम ऑन। मेरे को पता है कि नीचे बहुत खतरनाक लेवल की रिवीन बनी हुई है। पहली सॉल्व, आपने गाइस नोटिस किया ये यहां पर नहीं आ पा रहा। ओ माय गॉड, मतलब ये देखो बंदर की पावर्स भी जो है यहां पर नहीं आ रही, और ये भी यहां पर नहीं पहुंच रहा। ओ माय गॉड, क्या बच्चा मैं यार। भाई मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि भैंस की गए, एंड लाइट्रॉन मार के सीधा बाहर। अंजीर अपना पिरामिड एंड हैंग और सेकंड मैंने पानी के ऊपर एक लाइन देखी। व्हाट द हेल, अब ये क्या चीज है? और यहाँ पर ये लाइन पिरामिड से निकल रही है, सीधा पिरामिड से निकली और पेड़ के अंदर घुसी। और हैंग ऑन अ सेकंड ब्रोस, ये तो वही पार्टिकल्स हैं जो कि फेक लॉगी के थे। भाई रुको, अगर मैं यहाँ पर अपनी एक्स निकाल के ये पेड़ को तोड़ के देखूं, कुछ ना कुछ तो है। रुको पहले थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसका नेम टैग भी मेरे को यहाँ पर देखा। आई बिलीव वो पेड़ के अंदर छुपा हुआ है। भाई क्या प्लान है उसका, कभी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो। अरे पीते छोटे कहाँ भाग रहा है भाई, भाई 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 पानी के अंदर। कम ऑन बंदर वाले मुंह, मेरे को पहले पूरी समझ में आ चुकी है भाई, इसका पिद्दी वर्ड से मेरे को मिल चुका है। क्विक नीचे आ,
भाई क्या भाग रहा है पिद्दी वर्जन इसका यार, किधर भाग गया यार? अगर ये गुम गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किधर मर गया यार, ये तो पिद्दी सा बंदा। ये रहा, हेलो मेरे भाई, तेरी प्लानिंग में तेरे तेरी थोड़ा बस आगे आ जा एंड व्हाट। अरे यार ये निकल रहा है बच के और ये जा कर रहा है पिरामिड के अंदर। अब तेरे को वहां नहीं जाना, इसकी पूरी पावर आई थिंक इस वर्जन के अंदर काम नहीं करती। भाई ये वही काली केबल है जो मेरे को दिखी थी और ये रहा नीचे बटन भी। और वे व्हाट, रियल लॉगी, ओह माय गॉड। ओके अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं नीचे जाऊं कि ना जाऊं। रियल लॉगी भी यहां पर है ब्रोस एंड एट द सेम टाइम फेक। अरे तेरे को कैसे बांध कर रखा हुआ यार। फाइनली ब्रोस मिल चुका है और ये रहा अपना फेक वाला लॉगी, इसका छोटा वर्जन। भाई तू बच के जा नहीं सकता, आई विल प्रेस दिस बटन। ओके तो तारे बिल्कुल लॉगी के ऊपर कनेक्ट हो रही है। ओए वो तू बड़ा कैसे हो गया? तो उसका मतलब ये है कि अगर ये वाओ अभी उसने बटन दबा दिया। ओके इसको मारते गोली और ये कितना बड़ा हो चुका है। फटाफट से यहां से पहले अपने रियल वाले लॉगी को निकालो, लेकिन उससे पहले मेरे को खुद को बचाना पड़ेगा। भैंस की आंख में कुछ चीज तोड़ भी नहीं पा रहा या रुको, मेरे को समझ में आ चुका है। आई थिंक मेरे को ये बटन प्रेस करना पड़ेगा फट से, लेट्स गो। और अगर मैं अभी पिकैक्स निकाल के तोड़ के देखूं तो भैंस की आंख, लेट्स गो गाइस। पहली पूरी अपनी समझ में आ चुकी है और सबसे बड़ा लॉगी यहाँ से बाहर निकल के गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मेरे को नहीं है। इतना बड़ा इंसान है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, अरे भाई हेलो, अरे चाचू भागने की कोशिश कर रहे हैं बंदर वाले, वो पकड़ ले इसको, इलेक्ट्रो से मारिए नूपड़े को। तुम्हारे भाई बिल्कुल टेंशन नॉट, इसको तो मैं बताऊंगा, नूपड़े को भगा भगा के मारेंगे। भाग ले, तेरे को मैं 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, भाग ले अपनी जान प्यारी है तो। लेट्स गो ब्रोस, अभी इसकी पूरी पावर डिसेबल हो चुकी है। भाई हमने कुछ ना कुछ तो सही कर दिया, लिटरली गाइस हमने इसके मिनी वर्जन को पकड़ लिया और मिनी वर्जन के अंदर कुछ भी नहीं था। अरे भाई क्या स्पीड में भाग रहा है पेड़ों के ऊपर फुदक फुदक के। अंकल जी मेरा गला सूख रहा है, पानी के अंदर चाहिए क्या? पड़ी इसको मार, इसको पानी के अंदर ही और स्लो हो जाएगा बंदर वाले मुंह, मार इसके लपेट। ये बच के जाने नहीं पाया, आज पूरा लपेटना भैंस की इसकी तो मैंने, पूरा बचने वाला नहीं है भाई, पूरा दिमाग खराब कर दिया था इसने पूरा। भाई मैं पूरा टेंशन के अंदर आ चुका था। भाई तूने लॉगे को किडनैप किया मेरे भाई, तूने अपने छोटे गैंगस्टरों को किडनैप किया, तू बचने वाला नहीं है भाई, तू पानी के अंदर वॉकिंग करके जाएगा बंदर वाले, बचने ना पाए भाई। भाई ये बंदा बचने ना पाया आज तो, लपेट इसके। अबे तीर कमान मार, क्या मक्खियों की तरह मंडरा रहा है उसके ऊपर। लेट्स गो, पड़ी एक और डैमेज। एक काम करते गाइस, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक के मदद से थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ता हूँ एंड लेट्स गो। फेक लॉगी वाज स्लेन बाय चपाती गेमर। फाइनली ब्रोस हमने फेक लॉगी को मैंने अपने हाथों से मार दिया। अच्छा अच्छा, आप ए महान चपाती भाव ने मारा है यहाँ पर। हाँ हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो गेम में थे। अरे सबको पता है कि ब्रो ये पॉसिबल नहीं था विदाउट अपने लेजेंडरी बंदर के बगैर। ब्रो बंदर ने हमेशा हर एक सीरीज के अंदर जो है अपनी बहुत हेल्प करी है। ये काम करते हैं फटाफट से वापस मेरे को अपनी ब्यूटीफुल दुबई सिटी के ऊपर से मंडरा के वापस जाना है अपने पिरामिड के पास, क्योंकि मैंने देखा था कि वहां पर अपना रियल लॉगी भी था। और फटाफट से उस बेचारे को वहां से छुड़वा के लेके आना यार। और आपको याद होगा कि गाइस सीरीज की शुरुआत में अपना रियल लॉगी इसी दिशा में गया था। भाई हमको पता भी नहीं लगा कि वो किडनैप हो चुका है और वो पिरामिड के अंदर है। अरे भाव और आराम से नीचे जाना, कहीं इसके चक्कर में हीरो बन आ गया ना तो लेने के लेने पड़ जाएंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत केयरफुल तरीके से जाना हमने। हाँ मेरे को पता है कि हीरो बन का सिलसिला भी अभी थोड़ा बहुत जारी है। ओके इसको भी यहाँ से पहले मेरे को तोड़ना, मैं तोड़ क्यों नहीं पा रहा भाई ये चेनों को, भाई मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। तो यह बंदर ने सही बोला कि थोड़ा बहुत केयरफुल तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हीरो बन फिर से आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे एक बार फिर से ब्रोस अपना लॉगी बैक इन टू द सिटी, भाई कैसा है? ओके अभी थोड़ा बहुत घबराया हुआ है, लेकिन मेन चीज यही है कि अपना मेन गैंगस्टर बंदा अपनी दुबई सिटी के अंदर वापस आ चुका है। काम करता है फटाफट से यहाँ से, मेरे को ये पिरामिड तोड़ना है और वो जो दीवार खड़ी है ग्लास की, आई थिंक वो भी अब तक तो चले जानी चाहिए यार, हमने उसके मेन बंदे को तो मार कर रखा हुआ था। काम करते हैं फटाफट से ये मेरे को चेकआउट करना है कि ये नहीं गई दीवार। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ये फेक लॉगी वापस आ जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस ओके अभी वो ये कौन था ए भाव, टेंशन नॉट, वो लॉगी भाव को जो है सैंपल दिखा रहा था कि मैं कितना खतरनाक बंदा हूं। अरे ए मार रहे क्यों यार बार-बार, चुप कर। ओके अभी इसको मारते गोली और अभी चलते हैं हॉली हॉली दीवार के पास।
मेरे को चेकआउट करने की दीवार जाएगी तो कैसे जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लॉगी तो पीछे आ रहा है ना। ओके या ये बंदा अपना सेफ रहे, बाकी मेरे किसी चीज की जो है बिल्कुल टेंशन नहीं है। ओके बंदर वाले मैं अभी बोलने वाला था कि वो विस्फोट वाली पावर मारे दीवार के ऊपर, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। लेट्स गो एंड वी आर नाउ बैक इनटू द सिटी। क्या बात है भाई। तो गाइस ये रही अपनी रियल दुबई सिटी जिसको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया मैन। अरे भाई एकदम जबरदस्त, बाकी देख रहे ना अपनी ओल्ड सिटी वापस आ चुकी है। लेट्स गो, अभी तू जाके एंजॉय कर। ए मेरे को भी यहाँ पर रहने दो ना भाई, ए मेरे पास घर भी नहीं है, मैप भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है। मैं कभी यहाँ पर रेस के साथ होता हूँ, कभी स्कैली के साथ होता हूँ, कभी पेड़ गिनती से होता हूँ। ए मेरे पास घर बार कुछ भी नहीं है भाई, ए मेरे को भी यहाँ पर रहने दो यार। हाँ मेरे को पता है तेरे पास रहने सहने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है, लेकिन चल कोई बात नहीं ब्रो, तू टेंशन मत कर ठीक है। मैं चीफ से बात करता हूँ और तेरे रहने सहने का बंदोबस्त जो है सिटी के अंदर ही करते हैं। अब तो खुश है ना। अरे वाह 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 वाह, अरे भाई आप जो है एकदम जो है दिल खुश कर दिया। अभी मेरी प्लानिंग सिंपल है, बाद में दुबई से कनाडा भाग जाएंगे। भागो। मेरे को लगा था कि इसका आधा दिमाग खराब है, लेकिन नहीं पूरा ही ढीला है इसका स्क्रू तो। बट एनीवेज ब्रोस, इस छोटी सी सीरीज का अंदर इतना काफी है, मेरे को तो सुपर मजा आया। फेक लॉगी की सीरीज वन ऑफ बेस्ट सीरीज। अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, लिटरली 10-10, 12-12 घंटे रिकॉर्डिंग होती है, सेटिंग करो, चीजें सेट करो, भाई बहुत टाइम लगता है, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। तो अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में या सीरीज में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।